हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज सीमा श्रीवास्तव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटिंग एजेंट, रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग एजेंट। इसके पहले का पोर्शन हम नए पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट होता है द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम्स एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। ठीक है ना, हैज द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर्म्ड एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग एजेंट। तो लिख लेते हैं द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम्स एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस। No further reaction takes place whatever be the amount of the other reactant। ठीक है ना, प्रेजेंट पहली बात। सेकेंड बात, हेंस द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड limits the amount of product formed and is therefore called as limiting agent। ठीक है ना, फिर से देखते हैं द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। तो हेंस द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed and is therefore called as limiting agent। So in the performing stoichiometric calculation this aspect is also to be kept in the mind। So question है, सबसे पहले एक problem दी गई है, हम आपको problem से इसको समझाएंगे। Question है 50 kilogram of nitrogen and 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन
आर मिक्स टूगेदर, आर मिक्स टूगेदर, मिक्स टूगेदर एंड टू प्रोड्यूस, एंड टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है ना। कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट, आइडेंटिफाई द identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. Question kya hai, 50 kilogram of nitrogen and 10 kilogram of hydrogen are मिक्स टूगेदर एंड टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। देखते हैं सॉल्यूशन पे क्या है। तो यहां है सबसे पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, ऐसे करते हैं, पहले आप रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बैलेंस्ड इक्वेशन, ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, इज रिटन एज फॉलोज। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ठीक है ना। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखें, N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन टूगेदर इट गिव्स अमोनिया। बैलेंस है, नाइट्रोजन टू मॉलिक्यूल, यहां भी टू है, यहां सिक्स मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, यहां भी सिक्स मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास इन ग्राम, यानी गिवन मास एंड अपॉन मॉलिकुलर मास, ये पता है ना सब बच्चों को, मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो मास इन ग्राम कितना दे रखा है, 50, ये देखिए 50 दे रखा है नाइट्रोजन, 10 दे रखा है हाइड्रोजन, तो 50 ये ग्राम में है, 50 अप इंटू 10 की पावर 3 अपॉन मॉलिकुलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का, 14 इंटू 2 यानी 28, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 1.786 इंटू 10 की पावर, सॉल्व कर लीजिए आपका भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। मोल, इसको मोल में चेंज करा तो इतना आंसर आया, 1.786 इंटू 10 की पावर 3 मोल। अब आप देखिए दूसरा निकालते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी मास इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास,
ये कितना हो जाएगा, 10 दे रखा है, ये 10 ग्राम दे रखा है ना, तो 10 इंटू 10 की पावर 2, ओ 10 की पावर 3 इन अपॉन 2। मॉलिकुलर मास हाइड्रोजन का 2 ही आएगा, तो इसको ये आ जाएगा 5, तो यानी 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल, ये मोल में चेंज हो गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आई इसमें? नहीं आई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, N2 प्लस थ्राइज H2 इट गिव्स 2 अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल ये है 3 मोल। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, फॉर द रिएक्शन। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर द रिएक्शन, आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो यहां पर 1.786 निकाला था हम लोगों ने, 1.786 10 की पावर 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिक्वायर हाइड्रोजन, यानी हो जाएगा 3 × 1.786 × 10³, तो ये हो जाएगा 5.36 × 10³ मोल। ठीक है ना। अब आप देखिए, फिर 3 मोल एक मिनट, यहां पर आप हाइड्रोजन करिए, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिएक्शन, ये हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1.786 × 10³ मोल इंटू नाइट्रोजन कितना है, इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको मल्टीप्लाई करा तो 5.36 × 10³ मोल। ठीक है ना। फिर है दूसरा, देखिए 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ, कहा गया, गिव्स 2 मोल ऑफ यहां पर देखिए जरा, हाँ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट 5 × 10³ कितना आ रहा था, थ्री मोल हाइड्रोजन फॉर्म
द रिएक्शन 1.786 इंटू 10^3 मोल ऑफ नाइट्रोजन देन विल रिक्वायर हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 × 1.786 × 10^3 ये तो हो गया था ना, ये नहीं, ये ठीक है 5.36 ये निकाल लिया हमने। अब आप देखिए इसके बाद निकालेंगे बट मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट 5 × 10^3 मोल, ठीक है, तो देयरफॉर नाइट्रोजन इज इन एक्सेस एंड डाइहाइड्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट इसमें डाइहाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट है, ठीक है। अब आप देखिए, हाँ चलिए अब एक बार और भी सवाल को जरा दूसरे ढंग से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हमने कैलकुलेशन करा है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन आर मिक्स टूगेदर एंड टू प्रोड्यूस अमोनिया कैलकुलेट द ये कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट, ठीक है ना, आइडेंटिफाई इसमें लिमिटिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मोल ऑफ हाइड्रोजन मास इन ग्राम मॉलिकुलर मास मोल्स में निकाल लिया, 5 × 10^3 आया हाइड्रोजन का, ठीक है ना, और नाइट्रोजन का भी निकाला था, नाइट्रोजन का कहाँ निकाल के रखा था, हाँ ये देखिए नाइट्रोजन का जो निकाला है ये मास इन ग्राम मॉलिकुलर मास इसको निकाला 1.786 × 10^3 मोल, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का भी निकाल लिया मोल और नाइट्रोजन का भी निकाला हमने। फिर बैलेंस इक्वेशन क्या थी, N2+3H2 और 2NH3 है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये आपका निकाला हमने यहां पर, ये देखिए ये हो जाएगा, चलिए यहां पर हम थोड़ा फिर से इसको रिवाइज करके लिख लेते हैं पहले कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स कितना था, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर द रिएक्शन, यानी 1.786 × 10^3 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिक्वायर 3 × 1.786 × 10^3 ये आया 5.36 × 10^3 मोल, यही तो करा था ना पहले, वो पेज कहीं से मिसिंग हो गया तो मैंने इसको दोबारा भी करके आपको बताया, ठीक है। उसके बाद बट वी हैव ओनली 4.96
यानी जो हाइड्रोजन था, बट वी हैव ओनली, इसके बाद क्या निकाला था, तो बट यहां पे देखिए, मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट 5 × 10³, ठीक है ना, 3 मोल. तो नाइट्रोजन इज एक्सेस एंड डाइहाइड्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट, ये हमने करके आपको बताया है. चलिए अब आते हैं रिएक्शन ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन. सबसे पहले मास परसेंट. मास परसेंट कैसे निकालेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिएक्शन. तो मास परसेंट हो गया मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना. इस ढंग से ये फॉर्मूला है आपका, इस पे आप निकाल सकते हैं. मास परसेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो ऐसे क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना. कैलकुलेट द मास परसेंट, द मास परसेंट ऑफ द सल्यूट. तो सल्यूशन पे आते हैं, मास परसेंट कैसे निकालते हैं. मास परसेंट निकालने के लिए ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इनटू 100. तो ये हो जाएगा मास ऑफ ए कितना है, 2 ग्राम है. मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 2 ग्राम ऑफ ए प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना. तो ये इनटू 100, तो ये हो जाएगा 2/20 × 100. इसको सॉल्व कर लीजिए, 10%. इस तरीके से हम मास ऑफ परसेंट निकालते हैं. ठीक है, इस ढंग से हम मास ऑफ परसेंटेज को निकालते हैं. अब हम एक चीज और सिखाएंगे आपको, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है. मोल फ्रैक्शन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना. सॉल्यूशन ए डिसॉल्व इन सब्सटेंस बी एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली.
देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज, जैसे इट इज द रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन ए डिजॉल्व इन द सोल्यूशन बी एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवेन एस, कैसे निकालेंगे? जैसे मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना? अगर हम कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इस ढंग से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन ए डिजॉल्व इन सॉल्यूशन बी एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवेन, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है? तो ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मेथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, इसको आप कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन मास ऑफ मिथेनॉल का फॉर्मूला होगा CH3OH, ठीक है ना, ये हो जाएगा 60। फिर मोल्स ऑफ मिथेनॉल ये हो जाएगा 60/32। ठीक है ना, इतना ही आ रहा है 32। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.87 के करीब आएगा 5 के। तो मॉलिकुलर इसका मास कितना है मिथेनॉल का? 32। ठीक है ना, अब इसको आप कैलकुलेट करिए तो करीब इतना आएगा। फिर आया मास ऑफ वाटर, कितना दे रखा है 120 ग्राम। देखिए ये क्वेश्चन कहां चला गया, ये 120 ग्राम दे रखा है। तो मास ऑफ वाटर दे रखा है 120 ग्राम, मास ऑफ वाटर
मोल्स ऑफ, सॉरी मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 120/18 यानी 6.667 करीब आएगा, यानी ये इसका मोलर मास वाटर का दे रखा है, ये दे रखा है 18, ठीक है ना। फिर टोटल नंबर ऑफ मास, टोटल नंबर ऑफ मास ये सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.875 जितना निकाला था हमने, ये देखिए, प्लस 6.67, इसको आप ऐड करिए जरा, 1.875 प्लस 6.667 इज इक्वल टू आया 8.54। देखिए तो ये आ गया 8.54। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, अब निकाल लीजिए, सारी वैल्यूज तो पता है, तो 1.875/8.542 ये कितना आया, मिथेनॉल का पहले निकालते हैं, तो 1.875 डिवाइडेड बाय 0.220, ठीक है ना। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कितना है 6.667, ठीक है ना, ये देखिए 6.667 अपॉन टोटल मोल्स 8.542, इसको करिए 6.667 डिवाइडेड बाय 8.542, 0.780, ये आंसर आया। आपको समझ में आया मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला, एक क्वेश्चन दिया हमने कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ये देखिए, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, ठीक है ना। तो मास ऑफ मिथेनॉल कितना दे रखा है 60 ग्राम, मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास निकाल लिया 1.875, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ वाटर 120 ग्राम दे रखा हुआ है, तो मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, इसको जब सॉल्व करा तो 6.667 आया, जबकि मोलर मास वाटर का 18 है और मोलर मास मिथेनॉल का 32 है, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालने के लिए 1.875 ये क्या आया, मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ठीक है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8.542, इससे डिवाइड करा 0.220 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए मोल्स ऑफ वाटर निकाला कितना आया 6.667 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8.542, इससे डिवाइड किया तो 0.780 आ गया। इस ढंग से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर लीजिए।
अब हम बात करेंगे, हो गया मोल फ्रैक्शन, गुड। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की, मोलैरिटी बाद में बात करें, पहले बात करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय एम एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगी? मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। फिर से देखिए मोलैरिटी क्या है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सल्यूशन। तो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, कोई एक एग्जाम्पल देते हैं मोलैरिटी का। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ NaOH इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सोल्यूशन। फिर कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन है, करिए से। बहुत आसान है सोल्यूशन, हम बताएं। आप लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं हम आपके साथ करें। ठीक है ना, कैसे निकालें इसे? तो मोल्स ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है 18.25 ग्राम गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। NaOH का मॉलिकुलर मास है, इसका 40। कैसे? सोडियम का 23, 16 प्लस 1 तो ये आ गया 40। ठीक है ना, ये हो गया 40। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा। चलिए पहले मोलैरिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, तब कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी में निकालेंगे 18.25 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 200 वॉल्यूम सॉल्यूशन में है, 200 ml में है। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कितना आएगा? जो भी आया आंसर आप लिख लीजिए, 18.25
करते रहिए आप लोग भी, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आया 18250, फिर बच्चों करते रहिए न्यूमेरिकल। यस, ये आएगा करीब आपका 2.28, ये करीब आया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिर से, यहां पे लिख लेते हैं दूसरे पेज पे। हाँ, मोलैरिटी हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू 18.25 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 200। ये सॉल्व करने पर आया 2.28 m, ठीक है ना। इसको आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इस ढंग से हम मोलैरिटी निकालते हैं। जैसे जैसे अगर क्या है कि अगर कहा जाए 1 mole NaOH, दूसरे पेज आप या नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसी को थोड़ा और समझा के करते हैं कि एक तो हमने फॉर्मूला निकाला, सपोज वी हैव 1 mole solution of substance से NaOH एंड वी वॉन्ट टू प्रिपेयर इट, वी वॉन्ट टू प्रिपेयर इट 0.2 m सोल्यूशन फ्रॉम इट, तब क्या करेंगे। तो 1 mole NaOH मीन्स 1 mole of NaOH प्रेजेंट इन 1 liter, 1 liter ऑफ द सोल्यूशन फॉर 0.2 m सोल्यूशन वी रिक्वायर 0.2 moles ऑफ NaOH इन 1 liter सोल्यूशन, ठीक है। फिर है हेंस वी हैव टू टेक 0.2 moles ऑफ NaOH एंड मेक द सोल्यूशन टू 1 liter। तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड 1 mole NaOH सोल्यूशन बी टेकन विच कंटेन 0.2 moles ऑफ NaOH कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसे करेंगे आप, उसे स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए कि इफ 1 mole इज प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ 1 liter या फिर हम कह सकते हैं 1000 ml, ठीक है ना। तो 1000 ml अपॉन 1 mole इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 mole, तो ये हो जाएगा 200 ml, ठीक है ना। फिर 10
200 ml ऑफ 1 mNaOH आर टेकन, एनफ वाटर इज एडेड टू डाइल्यूट टू इट इन 1 लीटर टू मेक इट 1 लीटर. टेकन एंड एनफ वाटर इज एडेड टू मेक इट 1 लीटर. 1 लीटर तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. तो M1 क्या है, 0.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू अगर 1.0 M2 है तो V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. देन V2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 M इंटू 1000 ml अपॉन 1.0 M, दिस विल मतलब 200 ml. इस ढंग से आप मोलैरिटी को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन भी कराया और जो आगे फॉर्मूले से भी निकालना आपको बता दिया है. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी निकालने के लिए है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यानी मोलैलिटी बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी. ठीक है, तो अब इसको दिखाने के लिए मोलैलिटी की बात कर रहे हैं हम अभी. ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वॉटर इज लेबल्ड एज 10%, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.20 ग्राम मोल पर लीटर. टू कैलकुलेट मोलैलिटी, आप इसकी मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलैलिटी निकालने के लिए मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज 10/180 यानी 0.0 आ जाएगा 10/180 0.056. ठीक है, यानी मोलर मास इसका है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180. ठीक है ना, फिर मास ऑफ वाटर 90 ग्राम. ठीक है ना,
मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी बराबर हो जाएगी मोल्स ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? मास ऑफ वाटर इंटू 100, ऐसे मोलैरिटी निकालेंगे। मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है? मोल ऑफ ग्लूकोज है आपका 0.0556 निकाला था हमने, ये ठीक है ना। और मास ऑफ वाटर निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? मास ऑफ वाटर निकालने के लिए एक मिनट, ये आ जाएगा 0.056 वाटर का निकालने के लिए पहले एक मिनट, वाटर का कितना दे रखा है? अच्छा, मास ऑफ वाटर दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है 90, ठीक है ना। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 90। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी बराबर कितनी हो जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 100। तो ये हो जाएगा 0.0556 अपॉन 90 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.618 ग्राम, ये आ जाएगी आपकी मोलैलिटी, ठीक है। इस ढंग से हम मोलैलिटी निकालेंगे। तो अगर इसी में कहा जाए आपको मोलैरिटी निकालने को, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलैरिटी में मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है? 0.056, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। मास कितना है? 100 अपॉन 1.20, डेंसिटी दे रखी हुई है, हाँ डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 1.20 ये आया 83.33 आ गया। पहले हमने वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करा? मास अपॉन डेंसिटी करा, तो मास 100 है, डेंसिटी 1.20 है, तो इसको निकाला, ये वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम मोलैरिटी निकाल लेंगे, मोलैरिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ द ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.0556 अपॉन
83.3 इंटू 1000। सॉल्व कर लीजिए इसको। यह आया मेरा 0.667, 0.667 मोल। इस ढंग से हमने मोलैरिटी निकाली। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास अपॉन डेंसिटी होता है। मास दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी। पहले उसको हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 0.667 m। ये क्या निकाला हमने? मोलैरिटी। अगर इसी में कहा जाए आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.0556 दे रखा है, मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है 90/18 इज इक्वल टू कितना आया? 5.0 आ गया। फिर टोटल मोल्स देखिए, ये हो जाएगा 5 + 0.0556 इज इक्वल टू 5.0556। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0556 डिवाइडेड बाय 5.0556। कितना आएगा? 0.0556 डिवाइडेड बाय 5.0556, यह आ गया करीब 0.011। किसका आया? ग्लूकोज का। अगर हम वाटर का निकाले, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इट विल बी 5.0 अपॉन, वाटर का कितना था? वाटर का था, निकाला था ना हम लोगों ने, ये वाटर का, ये नहीं था। वाटर का हम लोगों ने कहाँ निकाला है? वाटर का निकाला है हम लोगों ने करीब, ये मोल ऑफ वाटर का निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 5.0 अपॉन, हाँ ये निकाला सही तो है, टोटल मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया 5.0556, ये हो गया 0. something आएगा। डिवाइड कर लीजिए, 5 / 0.556, ये आया 0.989। इस ढंग से हमने तीनों चीजें आपको क्लियर करी, ठीक है ना? तो इसमें मोलैरिटी बढ़ा लीजिए, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन तीनों निकाल के बताना था कि सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%, द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.20 ग्राम मोल पर लीटर, कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है ना? और आपका मोल फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है ना? तो मोलैरिटी आपको हमने अभी बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना, इन किलोग्राम। उसके बाद इसको सॉल्व करा, सारी चीजें हमने बताई, मोलैरिटी कैसे निकाला है,
और मोलैलिटी कैसे निकाला है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ वाटर, ये कैलकुलेट करके ये निकाला हमने मोलैलिटी। फिर हमने मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम का निकालना जरूरी था, तो मास अपॉन डेंसिटी से निकाला, डेंसिटी दे रखी थी 83.3 आई, वैल्यू पुट कर दी 0.667 एम आया। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल ऑफ ग्लूकोज 0.056, मोल ऑफ वाटर भी निकाल लिया 5 आया, टोटल मोल्स ऑफ वाटर इस तरीके से निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इस तरीके से निकाला, और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.989, ठीक है ना। तो इस ढंग से वैल्यूज पुट करके हम तीनों चीजें निकाला, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये बच्चों आज आपका तीनों चीज हो गई, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मोलैरिटी पर ही है क्वेश्चन, है कैलकुलेट, ये आप लोग कर सकते हैं अपने आप, द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर, ठीक है ना, टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे देखते हैं, मोलैरिटी बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम अपॉन 0.250 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल अपॉन 0.250 लीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, यानी 0.4 एम। तो द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इस तरीके से हमने कई सारे आपको न्यूमेरिकल समझाए हैं, आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब निकालना आपको आ जाएगा। और आपको जो भी क्वेश्चन कराएं, एक बार आप अपने से भी करिए जो भी क्वेश्चन कराएं, और बुक में एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें आपके बैक साइड में जो भी क्वेश्चन है उसको अगर आप करते रहेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो हमने कराया वो बहुत अच्छे ढंग से हमने कराया है, आप उसको देखिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई क्वायरीज रह जाती है तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।